हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ दोस्तों, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इस वजह से मैंने पहले से क्या किया, मशीन पूरा बाहर निकल के रखा। ये बॉक्स के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं बॉक्स को साइड में रख देता हूँ। ये देखो, ये है बॉक्स का लुक, ये देखो। तो इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आपका। और ये देखो, नॉर्मली ये पाइप मिलता है साथ में, और ये है फोम कैनन प्रो। मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ। ये देखो, इसमें कुछ खास बात है, ये काजर फोम कैनन प्रो आया है इसमें। इसमें भी देखो, ये जो थ्रेड है, ये देखो यहाँ पर ब्रास का लगा हुआ है। ये सही बात है, क्योंकि ये नॉर्मली अंदर का जो है मटेरियल प्लास्टिक का रहता है थ्रेड, तो बार बार हम खोलते लगाते उससे क्या होता है, ख़राब होता है। इस वजह से यहाँ पर ब्रास का लगा हुआ है थ्रेड, ये देखो ऐसा लग जाएगा। ये देखो, ज़बरदस्त फोम कैनन है ये। इसका पाइप का नल, चलो इसको मैं बाद में फिट कर लूँगा, फिलहाल तो मैं फोम कैनन यूज़ नहीं करूँगा। पर आपका जो वीडियो है, ये आज का बहुत ही कमाल का होने वाला है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ मैं, मतलब मशीन का प्रेशर टेस्ट करने का कुछ नया तरीका तो आप वीडियो को पूरा देखते रहो। तो इसको भी मैं अभी साइड में रखता हूँ। ओके, तो ये देखो मशीन में है व्हील, ये देखो मस्त, कहीं पर भी लेके जाओ, कहीं पर भी लेके आओ ऐसा गाड़ी जैसा चला सकते हो इसको। ये देखो मेरा कार वॉशर 2-in-1, देखो मेरा गाड़ी भी बन गया है मेरा कार वॉशर के साथ रेस कौन लगाएगा? ये दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। तो दोस्तों, ये जो व्हील है, इसको फिट करने के लिए देखो, ये छोटा सा एक पाना है बॉक्स के साथ देता है। ये देखो नॉर्मली अंदर, ये देखो पीछे जो है, ये चार व्हील आता है, ये देखो ये हर तरह से घूमता है। और इसमें ना एक ब्रेक सिस्टम दिया हुआ है, जैसे कि अगर गाड़ी आपका, अगर ये नॉर्मली मशीन अगर इधर हिल रहा है, तो ये व्हील ऐसा घुमा दोगे आप, ऐसा ये देखो, ये चक्का ब्रेक लग गया, चारों ऐसे घुमा दोगे तो चारों चक्का जाम हो जाएगा, बाद में ये घूमेगा नहीं, मशीन ऐसा हिलेगा नहीं। तो रहने दो, मैं अभी फिलहाल तो ऐसा इसको लूज रखता हूँ, ताकि मशीन हिलने दो, ताकि आपको पता चले कि कितना स्मूथली चलता है। देखो ऐसा जहाँ से आप वहाँ पर खींच के लेके जाओ। ओके, ये देखो नॉर्मली अगर गन की बात करूँगा, तो अच्छा क्वालिटी का हैवी ड्यूटी का गन देता है लोग, और साथ में एक्सटेंशन रॉड देता है, तो मैं ज़्यादा टाइम इसको यूज़ नहीं करता हूँ। ओके, और क्या दिया है, ये है इनलेट पाइप, और मेन चीज़ आपको मैं मशीन में एक और एक खास बात है जो कुछ नया है, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ, जो बहुत लोगों का टेंशन था कि भाई ये देखो मैं आपको दिखाना था। जैसे कि बाकी मशीनों में ये देता है ना, ये प्लास्टिक का, तो ऐसा वाला नहीं दिया इसमें, इसमें अलग दिया है, जो ब्रास का बिल्कुल हाई क्वालिटी का चीज़ दिया है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये देखो, ये जो मटेरियल दिया है इनलेट पाइप का, जहाँ पर नॉर्मली फिल्टर दिया रहता है प्लास्टिक, कड़क प्लास्टिक का, जो जल्दी से टूट जाता है, यहाँ से खराब हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर ये ब्रास का मटेरियल दिया हुआ है, ये इसमें एक रबड़ चढ़ा हुआ है, उसमें से काम हो जाता है, और ये यहाँ पर ऐसा फिट हो जाएगा। ये देखो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये बार बार टूट जाएगा थ्रेड टाइट करने के टाइम, वो बिल्कुल फिक्स लगा हुआ है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और देखो ये जो, ये अलग से आपको दिख रहा है बाहर साइड से, एक एक्स्ट्रा ऐसा बॉडी दिया हुआ है सेफ्टी के लिए, जो मशीन को होल्ड करके रखता है, और नीचे ऐसा उसको व्हील लगा देता है। ये देखो, ये इसका लुक है, देखो चारों ओर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये है इस मशीन का एडजस्टमेंट सिस्टम, जो प्रेशर नॉर्मली इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से घुमा के, ये देखो ऐसा इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो एडजस्टेबल है ये मशीन, ये एक चीज़ अच्छा लगा मुझे इसका। तो दोस्तों ये देखो, ये मेरे पास है बड़ा सा मछली, 1.5 किलो का मछली है। हम इसको क्या करने वाले, इस मशीन से प्रेशर टेस्टिंग करके देखने वाले, मछली के साथ पहला बार कुछ नया एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो भाई वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो, और मैं मशीन को जल्दी से कनेक्शन कर लेता हूँ। तो दोस्तों चलो, मशीन का कनेक्शन हो गया है, अब हम इसको चालू करेंगे। तो पहले गन को दबा के रखते हैं, और बाद में स्विच ऑन कर देते हैं। ये धुआंधार प्रेशर, ये देखो, ये देखो, ये देखो देखते हैं अभी इस, ये जो मशीन का जो प्रेशर है, जो पानी का प्रेशर है, इससे अभी मछली को छील के देखेंगे मछली छीलता है कि नहीं, और फिर देखेंगे। जैसे कि हमारा अभी तो ऐसा किसी ने वीडियो ने मेरे खुद के ऐसा हाथ पे ऐसा प्रेशर मार के फाड़ दिया, ऐसा तो किसी ने बनाया नहीं, तो हम मछली को फाड़ के देखेंगे एक्चुअली मछली जो है वो फटता है कि नहीं। अगर मछली फटता है तो समझ लो कि भाई इंसान के हाथ में लगेगा तो हाथ भी फट सकते हो, हम अभी वो चेक करेंगे। दोस्तों ये सब जो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, बस आपको ये दिखाना है कि भाई देखो ये जो मशीन है इसमें कितना प्रेशर है ना, पावरफुल प्रेशर है। अगर आपको लगता है कि कार आपका छेदा हो सकता है, पेंट डैमेज हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज, जैसे आप ऐसा पॉइंट करके मारोगे, ये देखो ये अगर ऐसा पॉइंटेड करके मारोगे तो शायद आपका पेंट डैमेज हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान देना है ऐसे पॉइंटेड करके कभी आपको कार के पेंट में नहीं मारना, ऐसा करके मारना। देखो ये मारा ऐसा, ये देखो ये हल्का सा स्प्रेड करके आप मार सकते हो, अगर आपको ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो। अगर आपको और भी कम प्रेशर चाहिए तो ऐसे में ज़्यादा स्प्रेड कर दो, जितना ज़्यादा स्प्रेड करोगे उतना आपको हाथ में ऐसा सामने प्रेशर कम लगेगा। तो चलो अभी देखते हैं कि मछली का जो है ये जो छिलका है ये निकलता है कि नहीं निकलता है ये पानी का प्रेशर से। चलो मैं ये साइड में आ जाता हूँ। ये मेरा कहीं ना कहीं उल्टा साइड पड़ रहा है, मैं कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, ऐसा ट्राई करता हूँ। ओके, मशीन को थोड़ा सा घुमा देता हूँ। ठीक है, रेडी तो थोड़ा सा, हाँ अब देखते हैं। यार मेरे ऊपर उल्टा पानी आ सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, पर मैं देखता हूँ, रिक्स लेके देखता हूँ कैसा क्या है। चलो देखते, डर तो लग रहा थोड़ा सा, अभी तुरंत जाके नहाना पड़ेगा मुझे बाद में मछली का पानी मेरे ऊपर आएगा।
ओहो भाई साहब, ये देखो मछली का पूरा चिड़तिर उड़ गया यहाँ से, देखो बिल्कुल छिलका निकल गया, मतलब पूरा मछली को हम साफ़ कर सकते। ऐसा मैंने किसी चाइना में किसी मतलब मछली मार्केट में देखा था, मशीन से ऐसा पानी का प्रेशर ऐसा क्लीन कर रहा है। चलो मैं फिर से थोड़ा प्रेशर कम करके देखता हूँ, चलो इतना मैं देखता हूँ अभी छिलता है क्या यहाँ से। नहीं, अगर हमने प्रेशर थोड़ा कम कर दिया तो नहीं हो रहा है, अपने को फुल प्रेशर चाहिए। हाँ इतने में छिलेगा वो, ओके सर बिल्कुल। शिट पूरा पानी मेरे ऊपर आ रहा है, ये देखो पूरा मछली जो ना छिल गया, स्मूथ हो गया यहाँ पर, छिलका निकल गया। चलो अब ये साइड भी ऐसे छिल देता हूँ, चलो मैं थोड़ा नीचे हो जाता हूँ नहीं तो पानी मेरे ऊपर आएगा, और अगर पॉइंटेड करके मारेंगे तो मछली फट जाएगा ऐसा मुझे फील हो रहा है। फिलहाल तो मैं ऐसे ही थोड़ा छिल लेता हूँ उसको। शिट इतना गंदा काम, आप लोग मुझे कमेंट में बहुत गालियाँ देंगे आज तो, मेरे को श्योर तो मुझे पता है मछली का पूरा मेरे ऊपर आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुरंत जाके नहा लूँगा भाई साहब। अरे यार चलो अभी इसको ये है पूरा एकदम क्लीन हो जाता है, जहाँ पर पानी का प्रेशर पड़ता है वहाँ से बिल्कुल मछली का छिलका निकल जाता है। ये देखो यहाँ से निकल गया, यहाँ पर है और यहाँ पर मैंने प्रेशर मारा तो यहाँ से निकल गया, और ये साइड तो भाई साहब पूरा ही निकल गया, देखो स्मूथ हो गया, यहाँ पर पूरा निकल गया छिलका। ओके फिर से थोड़ा ट्राई करता हूँ, ऐसा दबा के मारा तो क्या हो जाएगा। शिट ना ये सही नहीं, उतना आइडिया बिल्कुल बेकार था वो। प्रेशर तो बहुत ज़्यादा आ रहा है पर मेरा तो बैंड बज रहा है। आप लोग बस कमेंट में आ जाओ, आप लोगों को बहुत अच्छा काम मिलेगा गालियाँ देने का। सॉरी भाई लोग, मेरे को गाली मत देना, मैं बस आप लोगों को कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट दिखाने के चक्कर में ये सब कर रहा हूँ, है ना। आप देख सकते हो इस मशीन में इतना प्रेशर है कि भाई मछली का जो ना छिलका निकल दे रहा है, उखाड़ के फेंक रहा है देखो। ठीक है अब मैं इसको छेदा करके देखता हूँ, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी में अगर ऐसा स्किन में लगा पॉइंटेड तो उसमें छेदा होता है कि नहीं होता है पता चल जाएगा। क्योंकि कैसे पता चलेगा, हम मछली के बॉडी में ऐसा छेदा करके देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा काटा होता है और कहीं ना कहीं सेम टाइप का होता है, मतलब उतना बोले तो स्किन जो है ना सेम टाइप का रहेगा। लेकिन अभी देखते प्रेशर मार के कैसा होता है, आपको एक चीज़ दिखाऊं, आप लोग वीडियो देख के हंसोगे। ये देखो ये जब मैंने प्रेशर मारा था ना, मेरे सर के ऊपर ही छिलका आके बैठ गया, देखो ऐसा प्रेशर से उल्टा ऐसा आके। इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ यार, देखा ना आप लोगों के चक्कर में मुझे कैसा कैसा अजीबोगरीब वीडियो बनाना पड़ता है। मशीन ही क्या है यार, मशीन है, कार वॉशिंग के लिए ज़बरदस्त मशीन है ये। तो दोस्तों ये है लास्ट स्टेज, देखेंगे ह्यूमन बॉडी में छेदा होता है कि नहीं। अगर मछली में छेदा हो जाएगा तो समझने का हमारा इंसान के बॉडी में भी ऐसा छेदा हो सकता है। पॉइंटेड करके मारेंगे, एक ही जगह पर मारेंगे, देखेंगे छेदा होता है क्या। ये बिल्कुल पॉइंटेड है। चलो भाई साहब शुरू करते, देखते मेरे को तो डर लग रहा है कहीं मेरे ऊपर ही ना आ जाए हमेशा की तरह। मैंने बस खाली एक सेकंड के लिए मारा, देखो शीट ये पूरा छेदा हो गया भाई साहब। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा गलती से भी मत करना, ऐसा गलती से भी भाई आप लोग मत करना, नहीं तो आपके हाथ पर पूरा छेदा हो जाएंगे। देखो यहाँ पर बिल्कुल पॉइंटेड छेदा हो गया डायरेक्ट, ऐसा होता जहाँ पर कोई किसी ने गोली मार दिया होगा, बिल्कुल आर पार हो गया छेदा। शीट इतना खतरनाक, वो माई गॉड, मैंने तो सोचा नहीं था ऐसा डेंजर छेदा हो जाएगा। शीट देखो यार ये तो बहुत सीरियस बात है, बिल्कुल छेदा होकर अंदर पूरा पानी घुस गया, और जैसे मैंने मशीन बंद किया तो फुर करके अंदर से ना पूरा पानी निकल गया। देखो कैसा मैं फर्श फिर से रख के रखता हूँ, ऐसा पेंट मारता हूँ, ये देखो ये देखो मतलब अंदर से भुस करके पानी निकल रहा है। मैं थोड़ा ये पूरा मछली ने ऐसा बिल्कुल फूल गया था पानी का अंदर, जमा हो गया पानी, जमा हो गया अंदर। देखो फिर से मैं फुलाता हूँ मछली को, बलून जैसा फूलेगा मछली। ये देखो अगर मैं ज़्यादा टाइम प्रेशर मारूंगा तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा मछली, मेरे ऊपर ही आ जाएगा। ये देखो पूरा पानी निकल रहा है अंदर से। शिट बहुत ही गंदा वीडियो है आज का, बहुत ही गंदा वीडियो। मेरे को अभी सबसे पहले नहाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये वाला जो प्रेशर टेस्टिंग जो एक्सपेरिमेंट वो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको मशीन खरीदना है, कार वॉशर मशीन, आपको प्रेशर तो पता चला कि भाई धुआंधार प्रेशर है, आपको मशीन भी खरीदना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के मशीन खरीद सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।